जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाई ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। SSC MTS में जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं आपके, या फिर जितने पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उनको हम यहां पर हल करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन 2011 में MTS में पूछा गया था, जितना देखने में मुश्किल है उतना ही इसको सोल्व करना उतना ही ईजी है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, ऐसा क्वेश्चन आपका जब भी दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है कि आपका ये क्वेश्चन ट्रिक से हुआ। और वो ट्रिक क्या है, यहां पर दे रखा है 1/3 - √3। तो करना क्या है, मैंने एक फार्मूला आपको बताया था। जैसे मान लीजिए मैं कहूं आपको 3 + √8, इसको मान लीजिए x की वैल्यू गिवन है, तो x 1/x की वैल्यू मैं आपसे पूछता हूं क्या होगी। तो इस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, √8 का स्क्वायर करेंगे कितना 8। अगर इनका डिफरेंस 1 आता है तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 - √8। और यहीं पर ये गिवन है, 1/x की फॉर्म में ये क्वेश्चन गिवन है, 1/3 - √8। तो यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे। कहने का मतलब ये है, अगर माइनस का निशान है तो यहां पर प्लस का निशान लिख देंगे, ये 1/x के बदले x की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं सोल्व। देखो अब करना क्या है, सिर्फ साइन चेंज करना है। डिफरेंस इसका क्या है, दोनों का स्क्वेयर करेंगे तो 1 आता है, तो क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, 3 + √8 ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा √8। अगर यहां पर प्लस होगा तो ये माइनस का निशान है तो इसको माइनस कर देगा, तो ये हो जाएगा √7। प्लस यहां पर माइनस का निशान है तो क्या हो जाएगा, प्लस का ऐसे, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, अगर यहां माइनस है तो क्या हो जाएगा, वो प्लस वापस से माइनस हो जाएगा, तो यहां पर चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा √5 प्लस, ये हो जाएगा √5 + 2। बस साइन चेंज करने हैं। अब देखो आसानी से इसको काट दोगे, माइनस प्लस के सारे कट जाएंगे, बचेगा क्या, ये बचेगा 3 और ये हो जाएगा प्लस का 2। और कितना आसान है उत्तर निकालना, 5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में कर लेना है आपने, 1/ ये x है और 1/x को x की फॉर्म में लेके आएंगे, 3 का स्क्वायर 9, √8 का स्क्वायर करेंगे तो 8, अगर डिफरेंस 1 है तो क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे और साइन इसका चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से हम आंसर निकाल लेंगे, आपने पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आपका SSC में पूछा जाता है, कई बार तो पूछ लेता है, वो फ्रैक्शन में आपको दे देगा और असेंडिंग में पूछ लेगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लेगा, ठीक है, या फिर पूछ लेगा उनमें सबसे बड़ा कौन सा होता है। लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पर √ में दे रखा है, क्यूब रूट में दे रखा है, तो इसको थोड़ा सा निकालने में आपको परेशानी होगी, लेकिन ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर लोगे। देखो √ का मतलब क्या होता है, जैसे मैं लिख दूंगा इसको 3^1/2, √ का मतलब ये होता है 1/2, या फिर 3 को √ में लिख देंगे, सेम बात है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2^1/3, इसको लिखेंगे 2^1/2, इसको लिखेंगे 4^1/3। अब देखो 1/2, 1/3, 1/2, 1/3, इनका एलसीएम ले लेंगे, 3, 2, 3, 2, एलसीएम कितना जाएगा 6 से गुणा कर देंगे, 2 से कटेंगे 2, 3, 6, तो 3^3 कितना होता है 27। इसको भी 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2^2 कितना होता है 4, इसको काटेंगे 6 उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 और 2^3 कितना होता है 8, इसको मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 3 × 6 और 4^2 कितना होता है 16। अब यहां से देखो आप, सबसे छोटा आपको कौन सा दिखाई दे रहा है अंक, ये दिखाई दे रहा है सेकंड नंबर वाला 4, तो सेकंड नंबर कौन सा था, ये रहा, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा आंसर हो जाएगा। अगर वो पूछता सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा अंक, 27 पहले नंबर वाला, तो इसका मतलब ये क्या है, सबसे बड़ा हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आपका SSC MTS में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, मैंने अभी एक टाइप इसका करवाया भी है। देखो इसको कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 3+, अब देखो यहां पर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, इसका करेंगे तो कितना आएगा 5, और दोनों का डिफरेंस अगर 1 है तो सिर्फ करना क्या है, इसको उल्टा कर देंगे और साइन इसका चेंज कर देंगे, प्लस का है तो माइनस का, एक ध्यान और रखना है आपने, यहां पर क्या करेंगे, बड़ी संख्या लिखेंगे, जैसे यहां पर √5 और साइन चेंज कर देंगे √4, बस ऐसा ही, सभी में क्या है, डिफरेंस बराबर है, अगर स्क्वायर करेंगे तो उल्टा करके लिख देंगे, और बड़ी संख्या पहले √6 - √5
फाइव प्लस अंडरूट सेवन माइनस अंडरूट सिक्स प्लस अंडरूट एट माइनस अंडरूट सेवन प्लस अंडरूट नाइन माइनस अंडरूट एट। जो कटता है उसको काट देंगे, जैसे यहां पर अगर बात करें तो ये कटता है, माइनस का है ये प्लस का है, ये भी कैंसिल आउट, ये कैंसिल माइनस प्लस का, ये माइनस प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास, तीन माइनस इसका लिख देंगे दो और प्लस ये क्या हो जाएगा तीन। तो तीन और तीन छह और दो माइनस करेंगे तो कितना जाएगा चार, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह सोल्व करेंगे, आसानी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, एग्जाम में पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एसएससी एमटीएस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मान बताना था, कैसे ज्ञात करेंगे। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, अंडरूट 24 को इसको लिख सकते हैं चार इंटू छह, इसको लिख सकते हैं 36 गुणा में छ और इसका अंडरूट, इसको लिख सकते हैं 16 इंटू छ और ये इसका अंडरूट। अब देखो इसको चार का अंडरूट कितना होता है, आ जाएगा बार दो, ये हो जाएगा अंडरूट सिक्स प्लस ये हो जाएगा छह बार आ जाएगा छ अंडरूट छ। नीचे क्या बचेगा इसका, ये 16 किसका होता है चार, ये बार आ जाएगा चार अंडरूट छ, ऐसे लिख देंगे। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो दो और छह कितना होता है आठ, ये हो जाएगा एट अंडरूट सिक्स अपॉन चार अंडरूट छह, इससे ये कैंसिल, चार से काटेंगे तो चार दुनिया आठ, बिल्कुल आसानी से आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एमटीएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो स्टेटमेंट जितनी बड़ी है उतना ही इसका आंसर भी इजी निकलेगा। देखो इसको लिख सकते हैं क्या, ए की पावर थ्री, ये क्या है b की पावर थ्री, तीन बार आया है तो b की पावर थ्री प्लस थ्री a b a प्लस b, ये फार्मूला किसका होता है, ये होता है फार्मूला a प्लस b का होल क्यूब। a आपका है ये, तो इसमें लिखेंगे a प्लस b का होल क्यूब है तो a कितना है 72.8 प्लस 27.2 और इसका क्यूब कितना हो जाएगा, ये पूरा 100, तो 100 का ये हो जाएगा क्यूब। और बताना क्या था, घनमूल बताना था, तो इसका घनमूल कैसे निकालेंगे, देखो 100 का क्यूब और इसका घनमूल निकालना है ये, तो क्या हो जाएगा तीन से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा सीधा 100। ठीक है, देखो जो यहां पर घनमूल होता है ना, इसका मतलब होता है, देखो यहां पर था 100 की पावर तीन, और जो ये घनमूल है यहाँ पर तीन लिखा है, तो इसका मतलब होता है पूरे की पावर एक बटा तीन, और तीन से तीन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 100, इसलिए मैंने यहाँ से सीधा काट दिया इसको, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इन क्वेश्चनों को हम सोल्व कर लेंगे। जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और सारे मैंने ट्रिक से समझाए आपको कि इसमें क्वेश्चन में क्या ट्रिक है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा ताकि वो इस वीडियो का लाभ उठा सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।